हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो होप आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं इन द सेंस आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहे हैं। और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और हम न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे, पर एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है। पर उससे पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल के लिए या फिर जो वीडियोज़ देख रहे हैं वो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज नीचे सब्सक्राइब का एक बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कर दें ताकि आप जो नई वीडियोज़ हैं उसको विदाउट एनी डिले देख पाएं। जब भी अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस काम के हैं, अगर मेरे साथ साथ इसका बेनिफिट मेरे फ्रेंड्स को उठाना चाहिए या फिर मेरे कजिन्स हैं जो कि 12th में हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आर टारगेट इज़ टू मेक 300 सब्सक्राइबर्स टू दिस चैनल फॉर दिस टाइम। अभी ये हमारा पहला टारगेट है, फिर हम आगे आगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से आपके लिए यही टारगेट है। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें। सो गाइज, आज के लिए क्या टॉपिक है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स। मतलब अभी तक हम क्या करते आए हैं, हमें पता है कि एक बैटरी का EMF होता है, EMF भी हो सकता है, किसी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी हो सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड TPD, हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और गाइज, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके मेरे चैनल को क्लिक करके आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और चाहो तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में भी जा सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अलग से मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर अलग से मिलेगा, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो। तो आज हमने करना क्या है, अगर बहुत सारे सेल्स जिनके EMFs E1, E2, E3, so on up to EN, सपोज करो अभी तो बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं एक सर्किट के अंदर, ठीक है, और वो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मतलब हो सकता है वो सेल्स सीरीज में लगे हों, हो सकता है वो सेल्स पैरेलल में लगे हों आपस में। तो अब हमने करना क्या है, उसके लिए जो है सर्किट के लिए, पूरे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जो भी EMF की टोटल वैल्यू होगी, या फिर यूं भी कह सकते हो कि नेट वैल्यू क्या होगी उस पूरे सर्किट के लिए EMF की, इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या नेट वैल्यू होगी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए, वो हमने देखनी है। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, अगर जो हमारे पास बैटरीज हैं वो एंड से एंड कनेक्टेड हैं, ठीक है, एंड से एंड कनेक्टेड है, मतलब ये मेरे पास E1 बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं किसी भी सेल को। अब चाहो तो इसको बॉक्स में भी डाल सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैंने इसको बॉक्स में नहीं डाला है। तो E1 एक बैटरी है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी R1 है। दूसरी बैटरी जिसका EMF E2 है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये AC के अक्रॉस कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। देख सकते हो यार, एक एंड बैटरी का, फिर दूसरा एंड मतलब नेगेटिव एंड बैटरी का जो है वो बैटरी दूसरी बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा केस भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि अगर कोई बैटरी ऐसे पड़ी है तो दूसरी बैटरी कुछ ऐसे है, मतलब कि या तो उन दोनों के नेगेटिव पोल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, या फिर दोनों के ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव पोल्स भी आपस में कनेक्टेड हों, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं बताऊंगी इन दोनों केसेस में क्या करना है। फिलहाल के लिए एंड से एंड कनेक्टेड है हमारे पास दो बैटरीज, और हमें करना क्या है इस सर्किट के लिए, ठीक है, तो मुझे नेट EMF निकालना है और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, पता करना है क्या क्या चेंजेस आएंगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो पहली बात तो गाइस कुछ नहीं करना है, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब सपोज करो इस पूरे सर्किट का एक नेट EMF होता, जो कि होगा, हम डिराइव करेंगे आगे, तो E1 और E2 का जो भी नेट EMF का फॉर्मूला आएगा वो तो हम डिराइव करेंगे। फिलहाल आपको एक्सप्रेशन के लिए सर्किट में इक्विवेलेंट बनाना है जो भी आएगा, ठीक है, और R1 R2 का जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसके लिए R इक्विवेलेंट। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट तैयार हो गया मेरे पास। अब मुझे करना क्या है, अप्रोच क्या रहेगी, इस वाले सर्किट को और इस वाले सर्किट को मुझे लास्ट में कंपेयर कर देना है, तो इससे मैं शायद फॉर्मूला डिराइव कर पाऊँ। अब क्या कर सकते हैं हम, किसी को कोई आइडिया कि हम क्या कर सकते हैं आगे? देखो, जो हमारे पास मेन सर्किट है ना, उसमें आप करंट की वैल्यू, मतलब जो करंट की डायरेक्शन है बेसिकली, उसको भी आप डिपिक्ट कर सकते हो विद इन द डायग्राम। जैसे कि करंट जो है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव एंड की तरफ जाता है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी बनी, ठीक है, और यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी बनी, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ। तो अब करना क्या है हमारे को, सीरीज के अंदर क्या चीज़ डिवाइड होती है और पैरेलल के अंदर क्या चीज़ डिवाइड होती है,
इस ट्रिक को यूज करना, कुछ खास वो नहीं है। जैसे कि हम रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करते आए हैं, तो हमने करना कुछ नहीं होता, पोटेंशियल या तो सीरीज के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है डिवाइड हो रहा होता है और पैरेलल के अक्रॉस करंट डिवाइड हो रहा होता है, तो हम नेट करंट निकाल लेते हैं, फिर नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं अक्रॉस सीरीज। तो ऐसे करके हम फॉर्मूला वगैरह डिराइव करते आए हैं आज तक भी, तो करना कुछ नहीं है। तो वी ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूँ इस सर्किट के अंदर, वी ऑफ ए बी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इवन बैटरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा बाय द फॉर्मूला, हम पढ़ के आए हैं पीछे, वी जो होता है किसी भी अक्रॉस द बैटरी, अगर मैं किसी भी अक्रॉस द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं, तो उसका फॉर्मूला होता है ई वन, सिंस ये ई वन है, माइनस आई आर वन। आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, आर वन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। बेसिकली जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हमेशा लेस देन होता है ई एम एफ ऑफ द बैटरी से, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है तो ई एम एफ ऑफ द बैटरी हमेशा ग्रेटर देन होता है वी अक्रॉस दैट बैटरी। और वी क्या होता है बेसिकली, जब उस बैटरी के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो गिर जाता है, तो उस टाइम पे हमें पता ही है कि ई की वैल्यू ज्यादा बनी वी से, या फिर वी की वैल्यू कम बनी ई से, और वो कितनी कम बनी, वी जो होता है वो ई वन मतलब जो ओरिजिनल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप आता है। तो ये हो गई वी अक्रॉस ए बी की बात। अब हम करेंगे वी अक्रॉस बी सी की बात, मतलब ये बी पॉइंट अगर, तो बी से सी तक जो मेरी बैटरी लगी है ई टू बैटरी, उसका फॉर्मूला मैं कैसे डिराइव करूंगी, सेम कंसेप्ट है, वी अक्रॉस बी सी इक्वल्स टू ई टू माइनस, ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ऑब्वियसली बात है वो ई एम एफ से तो कम ही होगा, तो E2 माइनस आई आर टू, जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो उतना जितना बचेगा तो वो होगा B अक्रॉस BC। तो ये तो हो गई AB और BC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब क्या कह सकती हूँ, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिवाइड होता है, तो टोटल V ऑफ AC मतलब AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो AB का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में BC का पोटेंशियल डिफरेंस। तो AB प्लस BC करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप चाहो तो बिल्कुल लिखना है ये AB प्लस BC वाली लाइन लिख के, उसके बाद आप वैल्यूज को पुट करेगा नीचे वाली लाइन में। तो E1 माइनस IR1 प्लस में E2 माइनस IR2। अब मैं क्या कर रही हूँ, E1 और E2 को इकट्ठा कर रही हूँ, अभी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे तो थोड़ा बहुत गेस आप भी लगा सकते हो, जो E वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो और जो IR1 और IR2 वाली टर्म्स है उनको अलग कर लो, सेपरेट कर लो। तो I कॉमन ले लेती हूँ मैं इसमें से, R1 प्लस R2, ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाया था, ठीक है ना, अब मुझे नहीं पता था E1 और E2 को कैसे नेट निकालना है, तो कुछ भी नेट निकालने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक ही बैटरी लगी होगी जिसका EMF E इक्विवेलेंट के बराबर है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट के बराबर है, तो मैंने इस सर्किट को इस सर्किट से कंपेयर करना है। पर कंपेयर करने से पहले इस सर्किट को अलग से देखना पड़ेगा। इस सर्किट के लिए अगर मुझे V अक्रॉस AC की वैल्यू चाहिए, अब मैंने इस सर्किट के अक्रॉस V अक्रॉस इस सर्किट के अंदर V अक्रॉस AC की वैल्यू कैसे निकाली, इसकी वैल्यू प्लस में इसकी वैल्यू। अब यहां तो कोई डिवाइड नहीं है ना EMF का, तो यहां पे कुछ नहीं करना है मुझे, V अक्रॉस AC इन इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो मैंने ये दो इक्वेशंस लिख के रख ली हैं, ये दोनों सर्किट बेसिकली सेम ही है, एक इक्विवेलेंट सर्किट से इक्वेशन निकाली है और एक जो मेरे पास ओरिजिनल सर्किट था उससे इक्वेशन लिख के रखी है मैंने। कुछ नहीं करना, दोनों को कंपेयर कर दो यार, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बनी, ई वन प्लस ई टू, ठीक, और माइनस आई सेम है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बनी यहाँ से, आर वन प्लस आर टू। मतलब मुझे ये पता चली बात कि अगर किसी सर्किट में बहुत सारी बैटरीज, ये इनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं, बहुत सारी बैटरीज रखी हैं, ठीक है, सीरीज में, लेकिन सीरीज अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, बहुत सारी बैटरीज रखी हैं, तो उनका जो नेट EMF होगा अक्रॉस, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो नेट ईएमएफ जो होगा और जो नेट रेजिस्टेंस होगी,
वो क्या होगी? पहली बात तो ईएमएफ की बात करें तो सबकी एडिशन कर दो, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना कि अगर जो है बैटरी के नेगेटिव से दूसरी बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ये काम करना है. अगर बैटरी उल्टी पुल्टी कनेक्टेड है, इट मीन्स बैटरी का नेगेटिव से सपोज करो दूसरी बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है, ये पहला केस. या फिर पहली बैटरी के पॉजिटिव से दूसरी बैटरी का पॉजिटिव ही कनेक्टेड है, ये दूसरा केस. तो अभी ये भी बताऊंगी मैं. फिलहाल के लिए अगर बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो सबका ईएमएफ ऐड कर देना, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी एडिशन करना. देखो आर इक्विवेलेंट इज आर वन प्लस आर टू, तो जितनी भी बैटरीज लगी होंगी सबका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस कर दोगे तो वो सर्किट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू आ जाएगी. तो होप गाइज ये आपको समझ में आया है. अगर समझ में आ रहा है सब कुछ तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें. तो अब बात करते हैं जब बैटरी के अपोजिट टर्मिनल्स की जगह बैटरी के सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव या फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, उस केस में आपको E1 प्लस E2 ना करके E1 माइनस E2 करना है. ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना है खुद से, कि अगर बैटरीज अपोजिटली कनेक्टेड है, अपोजिट मतलब कि सेम टर्मिनल्स उनके साथ में कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. अभी हमने पहले केस में क्या बात किया, इन जनरल केस कि एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी का पॉजिटिव, जो कि सीरीज में होता है एक्चुअली, ठीक है. तो अब क्या करना है कि अगर सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है बैटरी का, वो E1 माइनस E2 हो जाता है. लेकिन देखा जाता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है जिस भी ईएमएफ दी बैटरी, मतलब कि किसी भी बैटरी का अगर ईएमएफ ज्यादा है, सपोज करो 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तो 5 माइनस 3 वोल्ट करके 2 वोल्ट बच जाएगा आंसर. तो ये काम करना है अगर अपोजिट टर्मिनल्स, मतलब या फिर सेम टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, और सेम केस अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो भी यही काम करना है. तो ये बात मैंने इसलिए की है, बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ना वो न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है. कभी बैटरी उल्टी पुल्टी लगा के दे देंगे, बोलेंगे बताओ कि भाई नेट रेजिस्टेंस, तो पूछेंगे नहीं नेट रेजिस्टेंस ईएमएफ नहीं पूछेंगे, वो कुछ और ही पूछेंगे. वो बड़ा सा पोटेंशियोमीटर बना देंगे, उसके आगे कनेक्ट कर देंगे, तो चीज़ों को निकालना जरा टफ हो जाता है. अगर हमें बैटरी के कॉम्बिनेशन कोई सॉल्व नहीं करना आता तो फिर तो आगे क्या ही करेंगे. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो आप चाहो तो इन सब चीज़ों को नोट भी करके रख सकते हो, अदरवाइज जब मैं लिख रही होती तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. तो अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा. तो गाइज मैंने ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाया है, प्लीज यार राइटिंग पे मत जाना, फिलहाल के लिए कंसेप्ट पे ध्यान रखते हैं. तो राइटिंग तो आप लोग अपनी इम्प्रूव कर सकते हो. कॉम्बिनेशन पैरेलल की बात करें तो मेरे पास दो बैटरीज हैं जिनका ईएमएफ E1, एक का E1 है, एक का E2 है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है. देख ही सकते हो यार पैरेलल कैसे कनेक्टेड होता है, मतलब कि अगर एक एंड, मतलब पॉजिटिव एंड एक किसी बैटरी का और दूसरा पॉजिटिव एंड किसी एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो, और पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरी बैटरी का भी नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्टेड हो, तब वो चीज़ें जो है पैरेलल में हो जाती हैं. अब सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है. अब यहाँ पे जो है एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होता है, पॉजिटिव दोनों का पॉजिटिव एक एंड से कनेक्टेड है, दोनों का नेगेटिव एक एंड से कनेक्टेड है. तो ये बात होती है. तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली इसके लिए मुझे इस पूरे सर्किट के लिए नेट ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, और जो भी नेट रेजिस्टेंस होगी मुझे नहीं मालूम कितनी होगी, बट मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है. तो करना क्या है यार, इक्विवेलेंट सर्किट तो बनाना मस्त है. इक्विवेलेंट सर्किट में है क्या, इस सर्किट को सॉल्व करके कुछ ऐसा बनाई दिखाई देगा सर्किट, कुछ भी ईएमएफ जो होगी वो इक्विवेलेंट सर्किट की जो भी होगी, हमें नहीं मालूम कि कैसे आएगी, बट एक सर्किट बना दो जिसके अंदर ई इक्विवेलेंट, मतलब एक नेट उनकी ईएमएफ है बैटरीज की, दैट इज इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट क्या है, नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट बैटरी. अब अप्रोच कैसी रहेगी, अब कैसे करें, अब ऐसे करना है काम. अच्छा एक और बात है, सिंस ये बैटरी का पॉजिटिव और ये भी बैटरी का पॉजिटिव है, तो जो करंट जो होता है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है, तो करंट कुछ ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है. और ये करंट की डायरेक्शन सॉरी यहाँ पे उल्टी है. तो किच ऑफ लॉ से मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव करंट जो है यहाँ से निकलेगा, I1, I2 यहाँ से निकलेगा, तो दोनों जो है एंड पे जाके, मतलब जंक्शन पे जाके ऐड हो जाएंगे. किच ऑफ फर्स्ट लॉ कि भाई किसी भी पॉइंट पे करंट लीव करने वाला या फिर एंटर करने वाला जो सम होता है वो बराबर होता है, तो I1 प्लस I2 बिकम्स I, ठीक है, ऐड हो गए और वो I के बराबर बन गया. अब क्या करना है, अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है. जैसे कि हमने सीरीज में क्या किया था, हमने सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं
दो बैटरीज के अक्रॉस उनको ऐड किया था, बिकॉज सीरीज के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, मतलब पोटेंशियल जो है डिवाइड होता है, और पैरेलल में क्या चीज़ डिवाइड होती है, करंट डिवाइड होता है, हम देख ही पा रहे हैं पैरेलल जो में जो है ना करंट डिवाइड होता है। तो आई वन और आई टू को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आई आ जाएगा, इतना मुझे पता है। अब आई वन और आई टू का एक्सप्रेशन अलग अलग से निकाल लेते हैं। फिलहाल मैं इस सर्किट की बात कर रही हूँ, तो बेसिकली मेरे पास जो वी होता है उसका फॉर्मूला होता है ई माइनस आई आर, ठीक है। वी अक्रॉस एनी बैटरी की अगर मैं बात करूँ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी बैटरी इज ई, सपोज वो ई वन हो या ई टू हो, ई माइनस आई आर मतलब उसके अक्रॉस का इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहां से मैं इन जनरल आई की वैल्यू निकाल लेती हूँ। आई की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, ई वन माइनस या फिर ई माइनस वी अपॉन में आर, ठीक है ना। आई आर को उधर ले गए तो ई माइनस वी हो गया, और डिवाइड में अगर आर ले आऊंगी तो आई की वैल्यू, आप चाहो तो आई की वैल्यू निकाल कर देख सकते हो। तो आई की वैल्यू यहां से ये बनी। तो मैंने क्या करना है, मतलब ऊपर वाली जो मेरे पास लाइन है या फिर यूं कह सकते हो ऊपर वाली वायर के लिए मैंने आई वन की वैल्यू निकाली, ई वन के लिए इस पूरी लाइन के लिए या फिर इस पूरी वायर के लिए मैंने आई वन की वैल्यू निकाली, वो होगी ई वन सिंस इस बैटरी का ईएमएफ इज ई वन माइनस वी अक्रॉस दिस। तो मैं चाहो तो वैसे तो ए बी है तो ये भी बना, ये भी ए बी बना, पर ए बी लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, वी अक्रॉस ए बी अपॉन में आर वन, ठीक है ये बात। और आई टू की वैल्यू निकालूं, आई टू मतलब इस वायर के अक्रॉस मेरे पास करंट की वैल्यू क्या बनी, यही फॉर्मूला यूज करके ई टू माइनस वी ऑफ ए बी, ठीक है ना, ये ए बी के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल है, सिंस हमें मालूम ही है कि जो पोटेंशियल होता है पैरेलल में वो सेम ही रहता है, तो ये वाले पोटेंशियल की बात करूं या नीचे वाले पोटेंशियल की बात करूं तो वो वी अक्रॉस ए बी के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल है वो तो वैसे भी सेम ही रहने वाला है। तो ई टू माइनस वी ऑफ ए बी अपॉन में आर टू। तो अब करना क्या है, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू कर दें, क्योंकि जो है पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ई वन माइनस वी ऑफ ए बी अपॉन आर वन प्लस में ई टू माइनस वी ऑफ ए बी अक्रॉस आर टू। तो अब मैंने क्या किया है, जो एलसीएम था अपॉन में आर वन दोनों के नीचे, तो मैं अलग अलग कर रही हूँ एलसीएम को, मतलब ई वन अपॉन आर वन कर रही हूँ प्लस में ई टू अपॉन आर टू, आप चाहो तो पीछे वाला लास्ट स्टेप को देख सकते हो, माइनस में वन अपॉन आर वन प्लस में वन अपॉन आर टू। गाइस साथ साथ लिखने में ज़्यादा मुझे लगता है कन्वीनियंट रहेगी, चाहो तो आप अपनी मतलब कॉपी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार तो कम से कम हाथ से चीज़ निकल जाती है, उसके बाद आप चाहो तो उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। एनीवेज इट इज़ अबाउट योर प्रैक्टिस, अबाउट योर डेडिकेशन, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको ओके ओके स्कोर चाहिए तो फिर तो आप देख के भी काम चला सकते हो। एनीवेज तो ये मैंने इक्वेशन वन मान ली है, ठीक है। आप लास्ट स्टेप देखना, मैंने कुछ नहीं किया, बस एलसीएम अलग अलग किए, ई वन अपॉन में आर वन वाली टर्म्स को अलग अलग कर लिया, और ये जो वी ए बी अक्रॉस अपॉन में आर वन और आर टू वाली टर्म्स को अलग अलग कर लिया, और वी ए बी को कॉमन निकाल लिए, तो इक्वेशन वन मान लिए। अब करना क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट को याद करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखाई देता था, ऐसा दिखाई देता था ना, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो इसके लिए अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी हो तो I की वैल्यू क्या बनी, यहां से I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस V जितना भी होगा इसके अक्रॉस ए बी अपॉन में R इक्विवेलेंट। ये तो सिंपल I का फॉर्मूला लगाया ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर से, या फिर यूं भी कह सकते हो वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर से फॉर्मूला लगाया, तो आप इसमें से आई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिए। तो इसको और इसको कंपेयर करने से पहले इसका भी अलग कर देते हैं एलसीएम, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर कर दो यार, कुछ नहीं कंपेयर करना। देखो ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, ई वन अपॉन आर वन प्लस में ई टू अपॉन आर टू, और वहां से वी ए बी, वी ए बी तो सेम है, माइनस भी बाहर पड़ा हुआ है वो भी सेम है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो बेसिकली जो हमारी रेजिस्टेंसेस होती थी पैरेलल में उनका कॉम्बिनेशन जो है सिंपल रेजिस्टेंस का, वो भी यही बनता था,
अगर सबको याद हो तो, सीरीज में जो रेजिस्टेंस थी वो ऐड होती थी और पैरेलल में उनका रेसिप्रोकल्स जो है ऐड होते थे, तो वो अभी भी बात सेम ही रहेगी। याद रखने का तरीका है वैसे तो ये, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर दो या फिर दो से ज़्यादा बैटरीज कनेक्टेड हो पैरेलल के अंदर, तो जो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है वो 1/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जैसे कि हम ओरिजिनली भी करते हैं। और अब अभी तक लेकिन हमारे पास E1 और E2 का नेट नहीं आया है, क्योंकि अभी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, मुझे E इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। E इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से क्या बनी, E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन R2 इंटू R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की अभी वैल्यू निकाली है। कैसे निकालोगे, R1 इंटू R2, बेसिकली अगर यहां से आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 बनेगा। जैसे कि हम पैरेलल में जनरली फॉर्मूला लगा देते हैं रेजिस्टेंसेस का, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट अपॉन में सम, सॉल्व करोगे तो वैसे यही आएगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट की है सिर्फ और कुछ नहीं किया, तो ये मेरे पास E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है फॉर पैरेलल। थोड़ा ट्रिकी है, देखना याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। E1 अपॉन R1 पहली बैटरी जो होगी उसके अक्रॉस का इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड में डाल दो, दूसरी जो बैटरी होगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड में डाल दो, ठीक है। ये तो हो गई पहली टर्म की बात, मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, ठीक है। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। एनीवेज ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता नहीं है, बट फिर भी आपको डेरिवेशन वगैरह आ जाती है, कोई न्यूमेरिकल में बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए। गाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आई गेस इसको रोकने की ज़रूरत है। तो गाइज अभी के लिए इतना ही है, और प्लीज़ यार वीडियो को सब्सक्राइब तो चैनल को करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक और जो बात है मैं दोबारा से याद दिला देती हूँ, सब्सक्राइबर्स 300 बनाने, 300 मीन्स 300, सो 300 कब तक टारगेट पूरा होता है, आई विल वेट एंड वी विल वेट फॉर इट, सिर्फ मैं नहीं हम सब वेट करेंगे उसके लिए। तो देखते हैं यार, आप भी एफर्ट्स करो और हम अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी।